दोस्तों, एक नशा मुक्ति का केंद्र है और आपका यहाँ से बहुत ज़्यादा स्वागत है। लास्ट रिहैबिलिटेशन गणेशपुर देहरादून। आप जिस किसी को भी जानते हो जो बहुत ज़्यादा शराब पी रहा हो, नशा कर रहा हो, घर वालों को परेशान कर रहा हो, घर में चोरी चक्करी, सामान बेचना, उधार गिरवी, मोबाइल बेच दिया, बाइक गिरवी कर दी, इस तरीके के बच्चों के लिए, इस तरीके का आदमी के लिए जो भी बच्चों को ना देख रहा हो, खामो खामे घर परिवार वालों के अस्पताल के चक्कर लगवा रहा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा रहा, ज़मीनें बेच रहा, उल्टे सीधे काम कर रहा शराब और नशे के इन्फ्लुएंस में, उस तरीके के लोगों के लिए ये रिहैबिलिटेशन सेंटर है। और ये देखो, ये चिकन विकन बना हुआ है यहाँ पे, सारी तैयारी हो रखी है खाने पीने की बढ़िया। यहाँ पे जो है बहुत सारे शराबी और नशेबाज भाई लोग रह के गए हुए, कुछ ऐसे हैं जो आज हिंदुस्तान में कई सारी जगहों पर अपना नशा मुक्ति केंद्र भी खोल चुके हैं। ये इतना बड़ा रिहैबिलिटेशन सेंटर है दोस्तों, यहाँ का बहुत बड़ा नाम है और ये देहरादून उत्तराखंड का आप मान लो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा नशा मुक्ति केंद्र है जो शुरू से काम कर रहा है यहाँ पे 2010 से। तो अगर आप किसी को भी जानते हो जो बहुत अधिक शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, चोरी चक्करी गलत सलत काम, तो आपने जो है आलतू फालतू लोगों की बातों में नहीं आना है। अपने बंदे को आप नॉर्थ इंडिया में कहीं के भी हो, पंजाब हरियाणा राजस्थान, आपने उसे हमारे पास भेज देना है, हम उसे ठीक करेंगे, हमारी गारंटी है। यहाँ पर वो ठीक भी हो जाएगा। आज यहाँ पार्टी है, एक बंदे का 3 साल पूरे हो गए उसके। अब ये बना रहा है हमारा भाई, सेम ही बना रहा है इस टाइम पे। ये देखो, ये जितना भी सामान आप देख रहे हो ना गाइस, ये सब सामान वही लेके आ रखा अपने पैसों का ख़रीद के, जो कभी शराब और नशा किया करता था। आज देखो दूध खरीद रहा हो, कितनी बड़ी बात है दोस्तों, और वो भी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। आज वो अपने स्वार्थ से बाहर निकल चुका है कि मेरा पेट भर जाए, मुझे दारू मिल जाए, दूसरों को गाली देना, बुरा बोलना, इन सब चीज़ों से वो बाहर आ चुका है। आज वो जो है समाज के लिए एक अच्छा इंसान बन चुका है। तो चाहे किसी भी उम्र के हों, बुढ़े बुजुर्ग हों, छोटा बच्चा हो, कोई भी हो जो बहुत अधिक शराब में या नशे में फंसा हुआ है। देखो दोस्तों यार, जो शराबी है और नशेबाज है ना, उसमें किसी को भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि शराब पीने वाला बच्चा गलत है या नशा करने वाला इंसान गलत है। ये कुछ नहीं है, ये हम लोगों के पास हिंदुस्तान में अब पता चल रहा हम लोगों को बेसिकली कि ये एक बीमारी है। नहीं तो पहले तो लोग बताते हैं कि हड्डी भी टूटने पर लकड़ी बांध दिया करते थे, बाद में पलस्तर वलस्तर कराने का सीन आ गया। तो ऐसे ही ये जो प्रोग्राम यहाँ पे सिखाते हैं हम लोग, उस प्रोग्राम का नाम है एल्कोहलिक्स एनोनिमस 12 स्टेप प्रोग्राम। तो जो लोग यहाँ पर आके पढ़ाई लिखाई करते हैं, प्रोग्राम सीखते हैं, वो तो ठीक हो जाते हैं। अब जिनके भाई भाग्य में कुछ और लिखा हो तो उनके लिए क्या किया जा सकता है। बस ये है कि यहाँ मरी से मरी मुर्दा हालत में लोग अपने बंदे को छोड़ के जाते हैं, और बहुत बुरी बुरी हालत में बच्चे यहाँ पे आए हमारे पास जिन्हें दौरे पड़ रहे हैं, वो कई सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, कोई चोरी करके जेल जा रखा, कई नशा बेच रहा है, घर वालों की ऐसी तैसी फेर रखी है। इस तरीके की कैटेगरी के बच्चे भी यहाँ पर बहुत आए हमारे पास, जो मतलब घर वालों को पूरी तरीके से बर्बाद कर चुके हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चे भी इस कंडीशन से उभर के फिर ठीक हुए हैं, कुछ बच्चे आज के दिन में अच्छे भी रह रहे हैं। तो हम तो सभी के लिए उम्मीद करते हैं कि सब ठीक हो। और ये आप हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, ये आपको बता ही रहा। देखो दोस्तों, ये बासमती के चावल, ये देखो, ये एक शराब पीने वाला इंसान लेके आया हुआ, और तीसरी बार लाया हुआ, हर साल आता हुआ यहाँ पे। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, अभी बहुत बच्चे आए हुए यहाँ पे बाहर से, आज पार्टी है यहाँ पे, ने 3 साल पूरे कर दिए, 3 रिकवरी बर्थडे हो गए उसके। ऐसे ही एक ना एक दिन आपके बंदे के भी होंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। आप किसी को भी जानते होंगे, हिचकिचाना मत, शर्माना मत, जो हमसे जानकारी दी जाएगी हम देंगे, और हमारा मैसेज आगे करना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।